बैलेट पेपर से इलेक्शन? देखिए, बैलेट पेपर का इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की हदर में है। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन महकमे को डिजॉल्व कर दीजिए, आप महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस को जो है ना इख्तियार दे दीजिए, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट जज को जो है ना इख्तियार दे दीजिए। इलेक्शन कमीशनर एक खिलौना बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास। हमें परसों एक नोटिस भेजा दिया उन्होंने 24 तारीख के दिन कि भाई आप जो है जो अहदेदार हैं उनके पूरे डिटेल दीजिए। हम कैंडिडेट नहीं हैं मगर हमारे पास जमीन कितनी है, सोना कितना है, चांदी कितना है, खाता क्या है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना सियासी जमातों से एक मजाक कर रहा है। आवाम के वोट देने पर आदमी जीता है तो सियासी जमातों को बगल दिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर देते। इन्होंने 1968 में 29A के तहत एक कानून दिया था, अगर 3 स्टेट के अंदर कोई पार्टी काम करती है तो उसको नेशनल पार्टी। तो आपकी पार्टी पर्सनल इलेक्शन लड़ेंगी या फिर किसी से गठबंधन में? सर देखिए, हम अपनी ताकत पर चलते, हम पैसा की नहीं है कि आपके खाते पे हाथ रख के चले। अगर किसी को हमारे साथ आना है तो हम उनको वेलकम करेंगे। आप किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, आप पर्सनली जाएंगे अगर आपको? सर कोई पूछा तो ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो है ना लोग खुश तो होते हैं। आज हर बैनर के ऊपर भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया था, मगर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के साथ कोई चलना नहीं चाहता। तो अगर आवाम के दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे तो उसमें कामयाबी होगी। दलित आदिवासी अगर मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो 60% हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो करना है वो कर डालो, तो इससे आपको भी फायदा होगा, हमको भी होगा। बस हमारी पार्टी में ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं है कि कोई माफिया गुंडा है हमको अपनी पार्टी के अंदर नज़र नहीं आता, हम हमको आने भी नहीं देते। बस ये है हमारा, हम बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मेकर है, लॉ ब्रेकर नहीं है। ये धरने देना, आवाम को नुकसान पहुँचाना, मारा पीटी करना, इससे नुकसान होता है। और हमारे पास किसी भी अहदेदार को 20 साल में कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई पिस्तौल नहीं है हमारे पास, कोई लाइसेंस हमारे पास नहीं है। ब्राह्मण है हमारे पास, मराठे हैं हमारे पास, ठाकुर हैं हमारे पास, गुप्ता है हमारे पास, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आप इलेक्शन कमीशनर से मालूम कर सकते हैं कि हमारी पार्टी में किसी जात पात के दो का सवाल नहीं है। और हम मस्जिद और मंदिर के झगड़ों में जाके जो है नफरत पैदा नहीं करना चाहते। सब मुल्क में है, सब खुशहाल है। आज मुसलमानों के लिए कि मेरा ये पैगाम है कि मुल्क को सलामत है तो हम सलामत। आज मुसलमान किसी मुकाम पे भी बैठ के जो है ना जाने मन बिछा के नमाज पढ़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने मुल्क इलेक्शन जो है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अपने बलबूते के ऊपर 15 से 20 जगह इलेक्शन लड़ेंगी, और कोई अगर गठबंधन में आता है उनके लिए वेलकम है। और कई पार्टी ऐसी है कि खुद नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं देते, लेकिन आज 20 साल से अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस चल रही है, अच्छे पैमाने पर चल रही है। और हम अपने खुद ताकत के ऊपर इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े करेंगे, कोई जात पात का विषय नहीं है, और हर इंसान को हमारे पास से टिकट दिया जाएगा, इसमें अपील करता हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।